Welcome to GTP College for Women, Lakewood. So today is BCA first lecture and the topic is types of clauses. Last time apne last lecture mein jo clauses and phrases ke bare mein introduction di thi, usme humne koi ka difference kiya. Aaj hum log ek types kar rahe hain, kuch types nahi, ye do char lecture kar rahe hain. To first is the kya do prakar ke hain clauses. इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड द डिपेंडेंट आत्मनिर्भर होंगे जी निर्भर करते हैं आत्मनिर्भर कहने इन डिपेंडेंट क्लॉज जो मेन क्लॉज होगा अपना लास्ट टाइम कि क्लॉज की होंगे वाक की सब तो छोटी यूनिट की कहने क्लॉज कहने बहुत सारे क्लॉज जोड़ के एक वाक बनता तो एक वाक के बीच एक या एक तो बाद क्लॉज हो सकते हैं एक या दो तीन एक मेन क्लॉज होता है उसके बाद दो तीन होते सबॉर्डिनेटर क्लॉज होते हैं जो आपको वाक में शक्ल कहने सो द फर्स्ट इज इंडिपेंडेबल एंड द सेकंड इज डिपेंडेबल सो डिपेंडेबल कितना होता है निर्भर करता है कि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा बट इट हैज नो कंप्लीट क्लॉज लास्ट टाइम आपने कहा था कि जिसका एक ना अपना मीनिंग होगा सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन का होगा बट उसका अपना एक मीनिंग होगा ऐसा कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ जो आपने एग्जांपल दी थी लास्ट टाइम में ही प्लेस क्रिकेट में सब्जेक्ट से बहुत का कॉम्बिनेशन देना होता है और एक सेंस बन गई थी बट कुछ तो ओकेशन से ये अधूरे होते हैं जितना आप कहने आई विल की बनाया ना अ ब्यूटीफुल हाउस दो उपवाक्य में जोड़ के एक पूर्ण वाक्य बनता अब उसी तरीके से फर्स्ट इज नाउन क्लॉज नाउन की है दैट एक्ट्स एज अ नाउन जेडे एक्ट करते हैं नाउन के तौर पे फॉर एग्जांपल आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट आई बिलीव आई क्या सब्जेक्ट बिलीव करना वो दैट दैट क्या कम उन्हें नरेशन कहते हैं हमें ठीक है जब आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और दैट में जो एक तो दूसरे वाक में जोड़ते हैं ठीक है उन्हें ना लोग उन्हें आप जोज को वगैरह यूज कर रहे हैं जैसा जोज का तो पंजाबी से कहने दो वाक जोड़ने की कहना आई विल पास द टेस्ट सो दैट इज अ नाउन क्लॉज कहते हैं जो किसी चीज़ के बारे अपन दस दे अपन जाणू करवाउंदे कि जिवें आई बिलीव मेरा की जकीन कि तू कौन जाणू करवा रहा आई विल पास द टेस्ट मैं टेस्ट आ जो पास करूँगा वो चीज़ तो अपन जाणू करवा रहा सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बीनेशन द सेकेंड इज एडजेक्टिव क्लॉज एडजेक्टिव मीन विशेषता किसी चीज़ की विशेषता That acts as an adjective. Adjective is of the character. For example, who, which, when, or whom. Any developmental words name. उन्होंने examples आप ले रहे हैं. ठीक है? जब मैं पकड़ रहा हूँ, जी they rested when the evening came. उन्होंने rest किया क्या करो? जो तो evening आई होगी, अब किसी चीज़ की विशेषता ले रहे हैं. ठीक है? पकड़ लिया. आई इज ब्यूटिफुल वेन ही वॉज यंग वो खूबसूरत कदों जो नौजवान से द थर्ड इज एडवर्ब एडवर्ब के अंदर क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता एक्ट्स एज एन एडवर्ब और इट मॉडिफाइज बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब ये तीन चीज़ें मॉडिफाई कर रही हैं जिसे क्रिया भी है जिसे विशेषण आता है जिसे क्रिया विशेषण आता मॉडिफाइज कर रहे हैं जिमें सारे ही डबल एच वाले जो वर्ड्स ने वो आ जाते हैं जिमें आप वाइट यूज करते हैं सारे वर्ड ने जो ऐसा पहला वो ऐसा नाउन यूज करते हैं